सुबह सुबह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये पुरानी कहावत है कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसा ही एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, सबसे पहले दो बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं बीच सड़क पर। कई सारे बच्चे यहाँ पर हालांकि है और वो सभी फुटबॉल यहाँ पर खेल रहे हैं। और तभी देखिए मुंबई के चेंबूर का ये पूरा वीडियो, और तभी एक कार किस तरह से आता है और बच्चे के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन ये बच्चा उठ खड़ा होता है। हैरानी की बात है, जिस तरह से कार बैक करके वो कार बढ़ाता है और बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है। ये देखिए, बच्चा खेलते खेलते उसका फुटबॉल गाड़ी के पास चला जाता है, लेकिन बच्चा वहीं खड़ा होता है। और तभी आपको बता दें कि इन तस्वीरों में देखिए, बाकी बच्चे दूसरी तरफ खेल रहे हैं लेकिन वो बच्चा वहीं बैठा रहता है। और अचानक से ये वैगनार कार आती है और बच्चे के ऊपर से निकल जाती है। किसी का भी कलेजा कांप उठेगा इस तस्वीरों को देखकर, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बच्चा दौड़ता हुआ चला जाता है, इसे वाकई करिश्मा कहें या कोई ईश्वरीय ताकत तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कार इस तरह से किसी के ऊपर से गुजर जाए और उसे खरोंच तक ना आए, अपने आप में यह हैरानी की बात है। इस बच्चे की किस्मत ही अच्छी थी, बच्चा बिल्कुल सही सलामत उठ गया। लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों के बीच से गाड़ी लेकर निकलने से पहले आगे पीछे पूरी सावधानी से देखने के बाद ही गाड़ी बढ़ानी चाहिए। पुलिस के मुताबिक इस घटना को लेकर उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है, अगर आएगी तो वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी के बंगाल बंद का असर दिखना शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता ने कैंगिंग रूट पर ट्रेनों को रोक दिया है। बंद समर्थक पटरियों ठप हो गई है। पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है हर ओर। और इस तरफ देखिए, किस तरह से ट्रेनों को रोके जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता पटरियों पर हैं। इलाके में बंद समर्थकों ने बसों को भी निशाना बनाया है। कई जगहों पर पुलिस इनकी धरपकड़ करती दिख रही है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। बसों की आवाजाही आम दिनों के मुकाबले काफी कम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन रुकी हुई है और बीजेपी कार्यकर्ता रेल की पटरियों पर खड़े हैं। कई बसेस हैं जिन्हें रोक दिया गया है। इससे आम लोगों को जाहिर सी बात है कि खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी ने नॉर्थ दिनाजपुर जिले में कथित पुलिस फायरिंग में दो छात्रों की मौत के विरोध में आज बंगाल बंद बुलाया है। बता दें कि इससे एक दिन पहले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन भी किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। पुलिस किस तरह से धरपकड़ कर रही है छात्रों को, वो भी आप देख सकते हैं। व्यस्त इस इलाके में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिससे करीब 15 मिनट तक ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। बनर्जी का पुतला फूटते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को आप यहां तस्वीरों में भी देख सकते हैं। काफी शोर शराबा हंगामा। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने और उन पर काबू करने के लिए सख्ती का इस्तेमाल भी किया। पुलिस के जवान इनकी धर पकड़ करते हुए और इन्हें पकड़ कर, ये देखिए पहले पुलिस के साथ किस तरह से धक्का मुक्की करते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इन पर काबू पाया। कुछ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ कर पुलिस गाड़ी में बैठाती हुई भी नजर आई। भारत माता की, और बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद को बेअसर करने के लिए आसनसोल में टीएमसी ने रैली निकाली। मंगलवार शाम टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शहर की सड़कों पर उतरे और बंद के विरोध में नारे लगाए।
विरोध का जवाब विरोध से, पोस्टर का जवाब पोस्टर से, और जुबानी जंग तो चलती ही रहती है पार्टियों में। और यहीं पर ये देखने को मिला, एक तरफ बीजेपी ने बंद का आह्वान किया तो टीएमसी पहले ही मोर्चा लेकर सड़क पर उतर आई और यहां पर बंद का विरोध करती हुई नजर आई सड़कों पर। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों से आज अपनी दुकानें खुली रखने की अपील की है। रैली का नेतृत्व टीएमसी के नेता अभिजीत घटक ने किया। उनका कहना था कि बंगाल के लोग बंद नहीं चाहते, बंद से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी बंद का विरोध किसी भी हद तक जाकर करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी भी सड़कों पर उतरकर बंद को सफल बनाने की भरसक कोशिश कर रही है। और हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी है, वहीं शिमला के कोटखाई इलाके में बादल फटने से तबाही मच गई है। तस्वीरें देखिए, इस तबाही मचाने वाले सैलाब को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में पार्किंग में किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो जहां की तहां फंसी हुई आपको नजर आएंगी। बादल फटने के बाद मलबा, कीचड़, पानी सब किस तरह से ये हाहाकारी सैलाब की शक्ल में बहता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ किसी की जरूरत नहीं कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश तक कर सके, बस किसी तरह से किनारे खड़े लोग अपनी अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि शिमला में अक्सर टूरिस्टों का आना यहाँ पर लगा रहता है। इन इलाकों में हिमाचल में खास करके ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर हर मौसम में टूरिस्ट आपको दिख जाएंगे। ऐसे में उनके लिए, टूरिस्टों के लिए जो यहाँ पर खास करके लोग काम करते हैं जिनका पूरा आजीवन टूरिस्ट पर ही निर्भर करता है, उनके लिए बड़ी आफत की बात। क्योंकि जैसे ही बादल फटा अचानक से पहाड़ से पानी के साथ बेहिसाब मलबा सड़क पर पहुँच गया। क्यारी बस स्टैंड में खड़ी करीब आधा दर्जन गाड़ियाँ मलबे में दब गई और वहाँ की दुकानों में मलबा आ गया। ऐसा मंजर देख कर चारों ओर अफरा तफरी बच गई। बस स्टैंड के पास बनी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान हुआ है। लोगों को अपनी गाड़ियां तक निकालने का समय नहीं मिला। इसके अलावा सेब के बागीचों में भी काफी तबाही मची है। यहां लोगों के बागीचे ही बहाव में बह गए। गनीमत रहे कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। और शिमला के चौपाल इलाके में दर्दनाक हादसा हुआ। बारिश के चलते पहाड़ से गिरी चट्टान ने तीन लोगों की जान ले ली। इस तरह से पक्की छत को तोड़कर नीचे वो छत गिरी और मजदूरों की दर्दनाक इसमें मौत हुई। तस्वीरें विचलित करने वाली है, इसलिए आपको हम पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। मंगलवार करीब 1 बजे एक मकान के ऊपर चट्टान गिरा जिससे पक्की छत को फाड़ दिया और अंदर वो आग घुसी। चट्टान से दबकर तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से बता देखिए, मृतकों में दो बिहार और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। कमरे में उत्तर प्रदेश और बिहार के 7 मजदूर रह रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत का काम शुरू किया। रस्सी डोरी बांधने के लिए
और लाहौल घाटी में हुए भारी हिमपात के चलते रोहतांग टनल में फंसे करीब 300 पर्यटकों को मनाली लाया गया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रास्तों पर जमा बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। भारी बर्फबारी के चलते रास्ते खोलने की कोशिश में काफी मुश्किलें आ रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार जेसीबी यहां पर मशीनें लगाई गई हैं जो कि बर्फ को हटाने का काम कर रही है। हालांकि ये काम इतना आसान होता नहीं है, वक्त भी बहुत लगता है। बीआरओ काम में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने 30-30 की संख्या में बसों के जरिए लोगों को रोहतांग टनल से देर शाम तक पार करवाया। वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौल घाटी में खाने के पैकेट भी लोगों को पहुंचाए गए। लाहौल स्पीति में बर्फ ने रास्ता रोक रखा है, तो हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद पहाड़ दरकने से मलबा और चट्टान सड़कों पर आ गए। इस वजह से सोलन में करीब 30 अलग अलग रास्ते बंद पड़ गए। रास्ते बंद हो जाने से कई करोड़ का नुकसान हुआ। और खबर इटली से, जहां पर टस्कनी स्थित कैल्सी के जंगलों में भीषण आग लग गई है। इस आग ने पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार को शुरू हुई इस आग को तेज हवाओं ने भड़का दिया और अब ये कई मील दूर से साफ देखी जा सकती है। आग बुझाने के लिए दो विमान उड़ान भर रहे हैं, जबकि फायर फाइटर और वॉलंटियर जमीन पर आग से जूझ रहे हैं। तेज हवाओं के कारण 4 हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि 500 से अधिक लोगों को वहां से हटाया गया है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।